स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर ऑफ फ्रेमवर्क ग्रामर स्कूल। लास्ट टाइम हमने 3.1 और 3.2 की थी, नाउ वी डू एक्सरसाइज 3.4। आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे कि अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई करने का तरीका कि फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताती चलूँ स्टूडेंट्स, वह हमारा फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डिफरेंट वेज। हम फ्रैक्शन को डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है 3/4, आपको 3 शेड किए हुए, 4 यानी 4 पार्ट्स को, 4 पार्ट्स आपको दिए हैं, उसमें से 3 पार्ट्स को शेड किया है, इस तरह ये। मल्टीप्लीकेशन करने में कुछ मेथड मैं आपको बताऊँ कि मल्टीप्लीकेशन होता क्या है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय नंबर मीन्स नंबर ऑफ टाइम एडिशन ऑफ दैट फ्रैक्शन, यानी कि जो आपको गिवन नंबर है ना, उसको उतनी दफ़ा उस फ्रैक्शन को ऐड करना हमारे पास क्या कहलाता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद आप कुछ रूल याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ नंबर सिंपली मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर बाय द नंबर व्हाइल डिनोमिनेटर रिमेंस द सेम, यानी आपने दोनों न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो ऐसे ही सेम रहेगा। जी स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। आपके पास है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझे आप, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय द नंबर्स यूजिंग डायग्राम, यानी आपने इस क्वेश्चन को किसके थ्रू सॉल्व करना है, डायग्राम के थ्रू। जैसे कि अभी मैंने आपको बात बताई थी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन मीन्स नंबर ऑफ टाइम एडिशन ऑफ दैट फ्रैक्शन, यानी कि ये आपका क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको कि जब 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 टाइम्स ये वाली फ्रैक्शन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे अब इसको, 1/5 + 1/5 + 1/5। जैसे कि अभी मैं आपको बताया था, जो आपको मल्टीप्लाई नंबर होगा यानी उतने टाइम ये फ्रैक्शन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी 3 टाइम्स से यही वाली फ्रैक्शन आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। जैसे कि उन्होंने आपको कहा था कि आपने ये क्वेश्चन किसके थ्रू सॉल्व करने हैं, डायग्राम के, नेक्स्ट वी डू डायग्राम। जी स्टूडेंट्स, आपको आपके सामने डायग्राम नजर आ रही होगी, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आपके 1/5 यानी जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो आपको शो करता है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। अब 5 थे तो हमने 5 इस तरह ड्रॉ कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5। और जो न्यूमिनेटर होता है वो आपको शेडेड पार्ट शो करता है, यानी 5 में से कितने पार्ट शेड है। अब हम लोग करते हैं, 5 में से 1 पार्ट शेड था, इस तरह हमने पार्ट शेड कर दिया। अब हमने 3 क्यों बनाई है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये 3 टाइम्स ऐड हो रही है, यानी एक टाइम 1 टाइम ये, सेकंड टाइम ये, और थर्ड टाइम ये। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, आपने एडिशन का तरीका पढ़ा था स्टार्ट में, अब आप देखिए आप लोग जब डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो हम इसको कितनी दफ़ा लिखते हैं, 1 टाइम लिखते हैं 5, ऊपर से 1 + 1 + 1 क्या आपस में ऐड हो रहा है, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, यानी क्या आपका आंसर आया 3/5। अब आपने इसको डायग्राम के थ्रू शो करना है, तो हम इसकी आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। लास्ट टाइम हमारा ऐड करके इनको क्या आंसर आया था, 3/5, यानी हम लोग टोटल आंसर, आपके पास पार्ट्स कितने हैं, 5 पार्ट्स हैं, आपने इस तरह 5 आपने ब्लॉक बनाने। अब आपके पास शेडेड पार्ट्स कितना है, 3 है, यानी आपने 5 में से कितने पार्ट्स को शेड कर देना है। स्टूडेंट्स परेशान ना होइएगा डायग्राम्स को देखकर, ये क्वेश्चन एडिशन के ही, जैसे आपने एडिशन की थी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे, सिर्फ फर्क आपका क्या आ जाएगा, डायग्राम का आ जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को मजे लेके करिएगा, मैथ इज लाइक अ गेम। तो आपने इसको क्या किस तरह करना है, सो डायग्राम्स अब लाजमी नहीं, आप यही डायग्राम आप सर्कल बना सकते हो, आप ट्राइंगल बना सकते हो, आप हर तरह के डायग्राम इसमें शो करवा सकते हो। नेक्स्ट वी डू एक्सरसाइज 3.4 इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।